जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने वोटर कार्ड में अपने आधार कार्ड को कैसे जोड़ सकते हैं, मतलब कैसे लिंक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वोटर कार्ड में प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ही खतरा है, क्योंकि उसमें कोई प्राइवेसी नहीं है। कोई भी बंदा अपने राज्य में भी बना लेता है, जहाँ रहता है वहाँ पर भी जाके अपना वोटर कार्ड बनवा लेता है, तो गवर्नमेंट को ये पता नहीं लग पाता है कि ये बंदा बिहार में भी बनाया है, पंजाब में भी बनाया है, दिल्ली में भी बनाया है। तो इसी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक अपडेट लाया है अपने यूज़र के लिए। वो अपडेट ये है कि आपको अपने जो वोटर कार्ड है उसमें आधार कार्ड का लिंक कराना ज़रूरी कर दिया है। मतलब आप अगर वोटर कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करा देते हैं तो इससे आपकी प्राइवेसी जो है थोड़ी टाइट हो जाती है। इसमें आपको कोई मतलब आपके नाम का कोई वोटर कार्ड कहीं और कोई बनवा नहीं सकता है, मतलब फर्जी काम नहीं हो सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे अपने आप में मतलब अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से अपने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से कैसे जोड़ सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, उसमें NVSP लिख के सर्च करेंगे। जब NVSP लिख के सर्च करेंगे तो आपका जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का यूजर स्क्रीन आ रहा है, तो यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन आपके पास अकाउंट नहीं है तो डोंट हैव अकाउंट में क्लिक करेंगे और यहाँ अपना एक अकाउंट बनाएंगे। सबसे ऊपर पहले अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको डालेंगे। तो मैं मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ एंड देन कैप्चा करें फिल करेंगे, उसके बाद सेंड OTP करेंगे। सेंड OTP करेंगे तो आप जिस नंबर पे आपने OTP भेजा हो उस नंबर पे OTP गया होगा, उसको फिल करेंगे। पहले कैप्चा भर लेता हूँ सक्सेसफुल्ली, अब सेंड OTP करूँगा मैं। यहाँ OTP सेंड किया गया है। OTP जो भी आपके मोबाइल में आया है वो OTP फिल करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे, तो आपके पास थोड़ा सा मतलब ये आ जाएगा, एक और पेज खुल के आएगा। वहाँ पे आपको अपना EPIC नंबर डालना है एंड एक पासवर्ड क्रिएट करना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा पहले से ही है इसलिए मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भर दिया और इस कैप्चा को फिल करके मैं जो है इसमें मतलब लॉगिन कर लूँगा। तो मैं लॉगिन कर लिया हूँ, फिर से भरना पड़ेगा, कैप्चा शायद गलत था, कैप्चा फिर से मैं फिल कर लेता हूँ OLTEM। लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक आएगा इन्फॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर बाय एग्जिस्टिंग इलेक्टोर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे फॉर्म आ जाएंगे। तो आपको फॉर्म 6B भरना है, फॉर्म 6B मौजूदा निर्वाचक द्वारा आधार संख्या की जानकारी के लिए। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा प्रोसेस में समय लगेगा, उसके बाद आपका नीचे जो है पूरा डिटेल्स आ जाएगा जो आपने पहले पहचान पत्र भरा था। यहाँ पर आप अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, या इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपको सही लगे। एंड देन आप नीचे देख सकते हैं मैं कौन से स्टेट से हूँ, कौन से असेंबली से बिलोंग करता हूँ, और नीचे मेरी सारी डिटेल्स आ रही है। तो यहाँ पे आप एक मोबाइल नंबर डालना है और एक ईमेल आईडी डालनी है आपने, दोनों ज़रूरी है आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी आपके पास आधार नंबर है या नहीं है उसको चूज करना है। तो हमारे पास आधार नंबर है इसलिए मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डाल दिया, उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं प्लेस मांग रहा है, तो मैं यहाँ प्लेस भी भर दूंगा और इधर डेट है डेट भी डाल देंगे, नीचे कैप्चा है उसको डालेंगे। तो मैं प्लेस लुधियाना से कर रहा हूँ तो लुधियाना लिख दिया मैं। उसके बाद ये डेट तो पहले से ही है, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर कोड है उसको फिल करेंगे। उसके बाद आप एक बार प्रीव्यू कीजिएगा, प्रीव्यू का मतलब ये है कि आप अपना एप्लीकेशन देखिएगा कि कुछ तो गलत तो नहीं किया। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी, तो यहाँ आप एक बार पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, क्योंकि इसको सबमिट करने से पहले चेक नहीं करोगे तो फिर आपका गलत भी हो सकता है। फिर इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ अपने नॉलेज के लिए, इसको मैं एज ए PDF सेव कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में। ओके, ये डाउनलोड फाइल में सेव हो चुका है। ओके,
अब मैं इसको इस फॉर्म को सबमिट कर दूंगा। सबमिट करेंगे दोस्तों, तो सबमिट करेंगे तो आपको एक थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म ऑन NVSP यू आर फ्रॉम रेफरेंस ID जितना यू कैन ट्रैक फॉर्म अप्लीकेशन स्टेटस हियर, यानी आपका जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है आधार जुड़ने का जो रिक्वेस्ट था। अब इसको आप इसकी स्थिति जानना है आपको, तो इसके लिए आपको ट्रैक स्टेटस पे जाना है। ट्रैक स्टेटस पे करेंगे तो थोड़ा सा समय लेगा, उस रिडायरेक्ट हो जाएगा, मतलब वो पेज खुल जाएगा स्टेटस चेक करने वाला। तो यहाँ पे आप, मैंने कॉपी करके रखा था तो इसको मैं इधर पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर देंगे तो गाइज यहाँ पे आपको मतलब आ जाएगा डिटेल्स, आज के डेट में मैंने सबमिट करा है एंड जब भी एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ